राइट, ऐसे अद्भुत चीज की रचना कैसे हुई होगी? वेल, वैज्ञानिक कहते हैं एक ऐसी घटना में जहां स्पेस के एक छोटे से पॉइंट यानी बिंदु ने वो सारे पार्टिकल्स और ऊर्जा जो हम आज देखते हैं उनसे भरे हुए एक बहुत ही गर्म से सूप को बाहर थूक डाला। ये गर्म सूप जिसमें सभी पार्टिकल्स और ऊर्जा एक बहुत ही हिंसात्मक रूप में आपस में बने हुए थे, तेजी से फैलने लगे और जैसे ये फैलते चले गए ये ठंडे होते गए और फिर 1,00,000 साल बाद एक ऐसा पल आया जहां ये काफी ठंडे हो गए। इतने ठंडे कि ये आपस में जुड़ के आग के विशाल गोले बन सके जिन्हें हम सितारों के नाम से बेहतर जानते हैं। यही सितारों में फिर जान आ गई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के वजह से और इनके विशाल क्लस्टर्स बनने लग गए। यही क्लस्टरों के साथ स्पेस में पत्थरों का भी जन्म हुआ और ये एक दूसरे से टकराने लग गए। यही पत्थरों के आपस में टकराने से प्लैनेट्स बन पाए और सितारों के क्लस्टर्स के साथ मिलके इन्होंने गैलेक्सीज की रचना की। बहुत से ऐसे ही प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। ये प्लैनेट के जन्म से लगभग 4.5 बिलियन साल बाद जीवन को पहली बार इस ग्रह के पानी में देखा गया और उसके करीब 3.5 बिलियन साल बाद हम इंसान आए इस ग्रह पे जो सिर्फ एक अच्छी सी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये ब्रह्मांड का अंत है? ब्रह्मांड का अंत क्या और कैसे होगा? पहले वैज्ञानिक बिलीव करते थे कि ग्रेविटी के वजह से हर चीज आपस में खींचती चली जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा ब्रह्मांड आपस में टकरा जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसे वैज्ञानिकों ने कहा था द बिग क्रंच। बट इस थियरी के कुछ ही सालों बाद जब एक ऐसी अदृश्य और अनजानी शक्ति महसूस पड़ी जो स्पेस का विस्तार करवा रही थी, तो वैज्ञानिक इस कंक्लूजन पे आ गए कि ब्रह्मांड एक बड़े धमाके में नहीं मरेगा बल्कि एकदम धीरे धीरे सुनसान सन्नाटे में। अगर हम आज उस वक्त की कल्पना कर सके तो हम जब ऊपर आसमान में देखेंगे तो हमें चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। बहुत ही गहरी चीज है, राइट? मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन आज भी जब भी मैं किसी अंधेरे रात में आसमान को देखता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े उठ जाते हैं। ठंड में भी गर्मी सी महसूस होने लगती है। हम सिर्फ एक काले से चादर को नहीं देख रहे हैं बल्कि हम सीधा ब्रह्मांड की अपनी आंखों से नजर मिला रहे हैं। बस सिर्फ कुछ समय के लिए देखिए आसमान को और आपको अंदर एक गहरे स्तर पर ये समझ आएगा कि चांद बस सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर है हमारे चक्कर लगाता हुआ। सूरज एक विशाल सा हिंसात्मक प्लाज्मा और गैस का बना हुआ एक गोला है जिसने अपने आसपास के प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर ही जला डाला है। मार्स तक को भी नहीं बख्शा, सिर्फ हम, क्योंकि हम लकी थे कि हमारे ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड हमें बचा सका। वो जो छोटे चमकीले बिंदु जो मैं आसमान में देखता हूँ वो भी ऐसे ही विशाल और हिंसात्मक गैस के गोले हैं जो एक खाली अंधेरी और अनंत सी जगह पे तैर रहे हैं। और वो दूध सा सफेद रंग का विशाल सा धब्बा, वो हमारे गैलेक्सी का सेंटर है जहाँ सारे तारे एक विशाल से ब्लैक होल के चक्कर काट रहे हैं। बहुत कुछ है यहाँ, बहुत ज्यादा पागलपन हो रहा है ब्रह्मांड में। और एक बात कहूँ, पृथ्वी किसी भी पल धूल चाट सकती है। यहाँ कॉमेट्स है, एस्टेरॉइड्स है, एक सितारा भी है नजदीक का जो बहुत जल्द ही एक ब्लैक होल बन सकता है। और जब ऐसा कुछ होगा तो वो एक ही झटके में हम पे एक खतरनाक रेडिएशन का जेट छोड़ेगा। और मजे की बात तो ये है कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कब हुआ। कुछ ही पलों में हम अंशों में बिखर जाएंगे। अगर हमारा नसीब अच्छा हुआ और हम ये सब से बच भी सके तो भी बस कुछ पल के लिए ही हम मौत को टाल पाएंगे, क्योंकि ना तो पृथ्वी अमर है और ना ही सूरज और ना ही वो पुराने सितारे जो करोड़ों सालों से चल रहे हैं। सब एक दिन खत्म होने वाला है। जैसे एक व्यस्त सी सड़क पे एक कीड़ा है, क्योंकि वो सड़क पे लोग चल रहे हैं इसीलिए वो तब तक ही बच पाएगा जब तक वो गलत समय पे गलत जगह पे नहीं है। कोई उस सड़क पे उस कीड़े को मारने के पीछे नहीं लगा है और ना ही उस पे किसी की नजर भी है। वो सड़क भी उस कीड़े के जन्म से पहले से ही थी और उसके मरने के बाद भी रहेगी। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो कीड़ा जीता है या मरता है, तड़पता है कि अपने आप को बचा पाता है। और आप सोच रहे थे कि अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे तो लोग क्या सोचेंगे? आपको हो क्या गया है? ब्रह्मांड हमारी परवाह नहीं करता, ये कर ही नहीं सकता। ये बहुत विशाल है और यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। जिंदगी और मौत के खेल में यहाँ कोई स्पेशल नहीं है। हमारे जन्म से ही हमें घातक बीमारी हमारे साथ लेके आए हैं और हमारे साथ वो सभी चीजें जैसे सूरज, आपका फोन, आपका कंप्यूटर, वो सब भी ये बीमारी अपने साथ लेके जन्मे हैं और वो बीमारी है मौत।
ब्रह्मांड आपकी परवाह नहीं करता। ब्रह्मांड ना तो अच्छा है और ना ही बुरा, ये बस सिर्फ एक फैक्ट है, एक सच्चाई। हमें भले ही आज ऐसा लगे कि हम कभी नहीं मर सकते, पर हम इतनी आसान सी बात भूल जाते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं है। हम हर जगह फूक फूक के अपने कदम रखते हैं, सोचते हैं कि हर छोटी क्रिया की एक बड़ी सी परिक्रिया होगी। आज हम जो भी करेंगे उससे पूरी दुनिया और स्पेस टाइम को भारी फर्क पड़ेगा। हर एक कदम बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है। हमें जो पसंद है अगर वो सोसाइटी के सिस्टम्स के बाहर का कुछ है तो लोग क्या कहेंगे। हम कभी कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम फेल हो गए तो हम हमेशा के लिए टूट जाएंगे, राइट। एक चोट के निशान के बारे में ही सोच लीजिए, क्या ये हमेशा के लिए है? नहीं, हम लिटरली स्पेस में सितारों के धूल से बने हैं और एक दिन वही हमें वापस भी जाना है, तो ये पल भर के चोट के निशान परमानेंट कैसे हो सकते हैं? आप किस बात से डर रहे हो? आप आज हम सब की तरह इधर हो और एक दिन चले जाओगे। आपके पास सिर्फ एक नैनो सेकेंड है ब्रह्मांड की घड़ी में वो करने के लिए जो भी आपको करना है। इसका मतलब जबकि ब्रह्मांड को आप जो भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको तो बेशक पड़ना चाहिए। इनफैक्ट अब आपको पहले से भी कहीं और ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए। अगर आपको पता हो कि कितने छोटे हैं हम और कितना कम समय है हमारे पास और हम इस समय में क्या क्या कर सकते हैं, तो आप दिन के 5 घंटे टीवी देखने में नहीं बर्बाद करते। आप वो जॉब या वो काम नहीं करते जो आपको पसंद नहीं है। आप वो थोड़ा सा समय जो आपके पास है वो हेटर से बहस करके और अपने आप पे अफसोस करने में नहीं बिताते। अगर आप अब 30 साल के हो तो आप एक दिन 40 के भी हो जाओगे, और अगर आप 40 के हो सकते हो तो आप एक दिन 70 के भी हो जाओगे। वो आप जो 20 साल की उम्र में सोचते थे दोस्तों के साथ वीकेंड्स में पार्टी करते वक्त कि मैं यहाँ हमेशा के लिए हूँ, आखिर गलत निकलेगा। पता चलेगा कि आप भी वो 760 करोड़ लोगों में से एक हो और वही स्पेस और टाइम के सिद्धांतों का पालन करते हो। अगर आपने इससे पहले कोई गलत काम किया भी है या फिर किसी भी बात का पछतावा है जो आपको पीछे रख रहा है, तो ये बात जान लीजिए कि आपने जो भी किया है वो मैटर नहीं करता। आप जो कर रहे हो सिर्फ वो मैटर करता है। हम हमारे एक्शन से ही डिफाइन होते हैं। आप एक बुरे इंसान नहीं हो सकते हो जो अच्छे काम करता है। अगर आप अच्छे काम करते हो तो आप एक अच्छे इंसान हो। बुराई को सिर्फ बुरा काम करने के सिवा किसी और रूप में मैनिफेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये आपके लिए क्या महत्व रखता है? वेल, ये बताता है कि जो थोड़ा समय आपके पास है उसमें आप जो चाहो वो कर सकते हो। इसका मतलब जबकि ब्रह्मांड जो आपको चाहिए वो आपको देने की परवाह नहीं करता है, वही ब्रह्मांड आपको जो चाहिए वो आपको खुद लेने से रोकने की भी परवाह नहीं करता है। आप जो करते हो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको जिंदगी में बेहतर बनना है तो बस बेहतर काम कीजिए। अगर आपको एक लीडर बनना है तो थोड़ा लीडिंग कीजिए, और अगर आपको एक एक्सपर्ट बनना है तो वो कीजिए जो एक एक्सपर्ट करता है। बस कीजिए, क्योंकि एक्शंस में ही जादू होता है। लोग हमेशा सोचते हैं कि काश मैं ऐसा होता या काश मैं वैसा होता। वेल, कोई आपको ये गिफ्ट में नहीं देने वाला है। अगर आपको ये चाहिए तो खुद ही ले लीजिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कुछ बड़ा कीजिए, एक बुक लिखिए, वो कॉल कीजिए, वो बिजनेस खड़ा कीजिए, अपने दिल की बात कह दीजिए, वो ईमेल भेज दीजिए, और अगर आप फेल हो गए तो क्या बड़ी बात? आप एक बुक लिख सकते हो और उसे कोई रीड नहीं करेगा, या आप कुछ बना सकते हो और उसे कोई देखने नहीं आएगा। आप फेल हो सकते हो और अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो। आप वो चांस ले सकते हो और सबके सामने एक बेवकूफ दिख सकते हो, पर उससे क्या हो जाएगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम बहुत छोटे हैं, इतने छोटे कि हम ब्रह्मांड में रजिस्टर भी नहीं होते हैं, और हमारी जिंदगी सिर्फ एक तरफ जाने वाली ट्रेन जैसी है। वो हर एक सेकेंड जो आप गवाओगे कभी वापस नहीं आएगा। हम वो रोड पे चलते कीड़े की तरह है। ब्रह्मांड हमसे प्यार नहीं करता, पर हमसे नफरत भी नहीं करता। हम बस एक एटम है ब्रह्मांड के अनगिनत करिश्माओं के। ब्रह्मांड परवाह नहीं करता कि हम जिए या मरे, आनंद में रहे या तड़पे, सिर्फ ये हमें मैटर करता है। अगर आपकी जिंदगी को आपके लिए कुछ मायने रखना है तो वो सिर्फ आपके ऊपर है। आप प्लैनेट्स के मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप हमेशा के लिए नहीं जी सकते। आप ब्रह्मांड के विस्तार को नहीं रोक सकते। बस सिर्फ आपकी जिंदगी और आपके आसपास लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। अगर आप खुद सिर्फ एक नैनो सेकेंड के लिए जिंदा रह सकते हो ब्रह्मांड में, तो आप आपके कामों को एक मिली सेकेंड के लिए जिंदा रख सकते हो, और ये मेरे ओपिनियन में बहुत बड़ी चीज होगी।
आपको जो चाहिए वो मिलने का इंतजार करना बंद कीजिए। ये ब्रह्मांड कुछ ज्यादा ही व्यस्त है। इसके पास बनाने के लिए दुनिया और बर्बाद करने के लिए गैलेक्सीज है। अगर आप खुद के बर्बाद होने से डर रहे हो तो मत डरो, क्योंकि मौत आने ही वाली है, चाहे आपको पसंद हो या नहीं। या तो आप अपनी जिंदगी के आखिर में खुशी और गर्व से पहुंचोगे, या फिर थके और हारे हुए, पर आप पहुंचोगे जरूर। हमारे पास सिर्फ अब है, ये समय। अगर आपके पास शक्ति है तो वो सिर्फ अब है। अगर आपको अगला बड़ा काम करना है तो वो आप कर सकते हो। चॉइस आपकी है, अब कीजिए। समय बीत रहा है,